अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल तो पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 3 घंटे पूछगिछ की। इस दौरान बहबल कला विच हुए गोलीकांड के बारे सुखबीर सिंह बादल तो सवाल पूछे गए। बाहर आके सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उन्होंने SIT नु कहा है कि पिछले 7 साल असली दोषियों नु फड़न की कोई कोशिश नहीं हो रही, सिर्फ सानू निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि SIT नु उन्होंने ये भी कहा कि जद भी जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने चाहिए है वो देने लई तैयार है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 5 महीनों दे विच कोई काम नहीं किया, हुण सिर्फ ध्यान भटकाउण दे लई मैनू समन भेजे जा रहे ने अते पंजाब पुलिस दे IG नौनिहाल सिंह दी अगुवाई वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ की। बहबल कला विच फायरिंग दे समय सुखबीर सिंह बादल पंजाब दे डिप्टी CMC गृह विभाग भी उही सांभ रहे सी। इस फायरिंग विच 2 लोगों दी मौत हो गई सी। SIT यह जानना चाहती है कि बेअदबी दे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सिखा ते फायरिंग दे आर्डर किसने दिते सी। 1 जून 2015 नू पंजाब दे बरगाड़ी तो करीब 5 किलोमीटर दूर पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला स्थित गुरुद्वारा साहिब तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप चोरी हुए सी। इस दे विरोध दे विच कोटकपुरा चौक अते कोटकपुरा बठिंडा रोड स्थित पिंड बहबल कलां विच सिख प्रदर्शन कर रहे सी। 14 अक्टूबर 2015 नू पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारियां दी भीड़ ते फायरिंग कर दित्ती। इस विच 2 लोगों दी मौत हो गई सी। मरण वालियां विच पिंड सरावां वासी गुरजीत सिंह अते बहबल खुरद वासी कृष्ण भगवान सिंह शामिल से। इस मामले विच इंसाफ दे लई बहबल कलां विच इंसाफ मोर्चा दा लगातार धरना भी चल रहा है। सुखबीर सिंह बादल नूं कोटकपुरा गोलीकांड दे विच भी तलब किया गया है। वह 14 दिसंबर नूं ADGP LK यादव की अगुवाई वाली SIT दे सामने पेश होंगे। सुखबीर नूं इस SIT ने 30 अगस्त नूं बुलाया, हालांकि उन्होंने समन ना मिलन की गल की सी अते हाईवे ब्लॉक करन दे केस विच भी जीरा कोर्ट विच पेशी विच चले गए सी, जिस तों बाद SIT ने उन्होंने 14 सितंबर नूं बुलाया है। पॉलिटिक्स करना, सियासत करना, कवर विजय प्रताप 5 साल उन्हें कुछ नहीं किया, कल्ली सियासत खेडी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़े सख्त लफ्जा ना किया, अपने फाइंडिंग दतियां कवर विजय खिलाफ के खिलाफ तो इन्वेस्टिगेशन रद्द की। मैं इन्हों आई क्या जो ऑफिसर साहबान जो आए सी श्रोमणी अकाली दल नू किते मर्जी किसी भी लीडर नू ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।